हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट्स में अपन को सीखना क्या है कि वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, जो लाइन होता है ना, सपोज ये लाइन है, ठीक, इस लाइन का हमको क्या सीखना है, इक्वेशन। ठीक, और इस इक्वेशन के कितने फॉर्म होंगे, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इन लाइंस के वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो सीखेंगे, ये सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, क्या सीखने वाले हैं, पहला ही इसमें टॉपिक जो हम सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ऐसे डायग्राम प्लॉट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। ठीक, अब देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ये भी हो जाएगी और लाइन ये भी हो जाएगी। ऐसे दो केस बन सकते हैं, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, अब देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का इक्वेशन बताने के लिए हमेशा यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे भी कोई कोऑर्डिनेट ले लें, ठीक, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट लो, ये वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, हर जगह देखोगे तो फिक्स है, चाहे जिस पॉइंट पे लो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन के लिए क्या है, फिक्स है। तो सपोज ये वाई कोऑर्डिनेट, हम मान लो ये डिस्टेंस क्या ले लिए, इस पैरेलल लाइन के बीच में क्या ले लिए, डिस्टेंस ए। रीज़न क्या है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है ना, तो इन दोनों लाइंस के एक्सिस और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये डिस्टेंस सपोज कर लिए हम क्या है, वाई है, और ये किस एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और किसका कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है। यही हमारा इक्वेशन हो जाता है, वाई इक्वल टू ए। ये क्या इक्वेशन हो जाएगा आपका, वाई इक्वल टू ए। सपोज हम अगर ये नीचे वाली लाइन जो दे रखा है, ये भी डिस्टेंस हम क्या ले लें, ए है। ठीक, ये क्या है, डिस्टेंस ए है, तो ये किस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, दिस आल्सो रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस की बात करेगा। तो जब इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में बात करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ए, क्योंकि अगर हम मान लो सपोज यहाँ से यहाँ गए, सपोज ये x कोऑर्डिनेट है, नीचे जब आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए। सेम यही कंडीशन जब भी डाउनवर्ड आओगे तो माइनस ए हो जाएगा। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो दो इक्वेशन बनेंगे, एक y इक्वल टू वन और सेकंड क्या बन जाएगा आपका, y इक्वल टू माइनस वन। अब देखो सेकंड इक्वेशन सीखेंगे हम क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, अब हम बात किसकी करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक, ओके, इसको भी समझने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले अपन ये डायग्राम बना लो। ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये लिया वाई, और ये क्या हो गया, वाई डैश। ठीक है, अब बताओ पैरेलल टू किसके, वाई एक्सिस। तो हम एक केस ऐसे बना सकते हैं, ठीक, और ये केस दूसरा हम ये ऐसे बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस, दिस वन, ये सारी डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और ये किस एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, किसको, तो सपोज हम इसके बीच की डिस्टेंस क्या ले लें, बी ले लें ऐसे, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी। सेम यही वाली कंडीशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी। अगर हम लेफ्ट साइड में ऐसे आएंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमेशा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू माइनस बी। ध्यान देना है, जब इक्वेशन आप लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात होगी तो एक्स इक्वल टू, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात होगी तो क्या हो जाएगा आपका, वाई इक्वल टू। ओके, चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसके बाद से नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं हमारा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म में, इसमें पॉइंट
स्लोप फॉर्म, ठीक है, क्या सीखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पहले देखो इसको रफली सीखेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ अ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड गिवन स्लोप। ठीक, देखो अब इस केस में हमको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताना है। तो इसको जैसे सपोज हम ऐसे पहले क्या बना लिए, ये हो गया हमारा x, x डैश, ये हो गया आपका, ऐसे ले लो रफली पहले y और y डैश। ठीक, हमको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो मान लो कि कोई ऐसे लाइन दिया है, इसका हमें क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। मान लो कि ये पासिंग थ्रू पॉइंट क्या ले लो, जैसे ये P है, x नॉट y नॉट x जीरो y जीरो। ठीक, और मान लो इस लाइन का स्लोप क्या है, m है। तो इस केस में इस लाइन का क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। बात आ रही है समझ में, जैसे हमने इस लाइन का इक्वेशन बनाया है, तो ये लाइन क्या थी, पैरेलल टू x एक्सिस थी, ये क्या था, पैरेलल टू y एक्सिस है। और एक ऐसी लाइन गिवन है जिस, जो क्या है, एक पॉइंट से, ये गिवन पॉइंट मतलब इस पॉइंट P से पास हो रही है। ठीक है, और इसका मान लो कि ये स्लोप क्या दे रखा है, m, स्लोप बोले तो क्या हो जाता है आपका, दिस वन, ये आपका क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब चलो इसको समझने के लिए हम फिर से इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसका फिर से हम डायग्राम बना के इसको डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये था एक केस, दिस वन, ये हो गया, ये रहा हमारा एक्स, एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई, एंड ये वाई डैश। ठीक, और हमको बताना है किस लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ, मान लो कि ये लाइन है। ठीक, मान लो ये पॉइंट हम क्या ले लें, पी नाट, इसका कोऑर्डिनेट लिए एक्स नाट वाई नाट एक्स जीरो वाई जीरो बोल सकते हो, और पी, और ये हो जाएगा आपका एक पॉइंट एक्स कामा वाई। एक चीज़ ध्यान देना बेटा कि जब भी अब हम कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमेशा वहाँ पे एक पी, एक जनरल पॉइंट, ये क्या होता है, जनरल पॉइंट, ये हर इक्वेशन ऑफ अ लाइन में ये क्या आएगा आपका, मिलता रहेगा जनरल पॉइंट पी एक्स कामा वाई। तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पी एक्स कामा वाई, ये हर इक्वेशन में आपका कॉमन मिलना ही मिलना है। बस यहाँ पे ये नई बात हो गई कि इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड सपोज हैविंग स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, एम है। तो इस केस में आपका जो इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नाट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नाट, इस केस में क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक, ये कैसे आया, इसको समझने के लिए अभी हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू क्या, टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे ना, एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस क्या हो जाता है, एक्स वन। अब इस केस में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या कर लोगे, जैसे ये क्या है वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप क्या ले लोगे, ये काम करेगा x1 y1, ये हो गया आपका x2, और ये क्या हो जाएगा y2। अब ये वैल्यू आप अगर इस केस में पुट कर दो कि स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा आपका, y2 बोले तो क्या ले लिया हम, x, x माइनस, और आपका क्या हो जाएगा ये x0, ठीक, अपॉन, ठीक है। और नेक्स्ट केस में क्या, सॉरी ये y है ना, तो ये हम ले लेंगे y माइनस वाई नाट, और यहाँ पे x माइनस, ये क्या हो जाएगा x नाट, ये किसकी वैल्यू आएगी, m इक्वल टू।
अब यहीं से जो हमारी वैल्यू आ जाती है, अब क्या करोगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, सपोज ये वन कर लिए, ऐसे इसका क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यही वैल्यू आपकी आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी जीरो एंड हैविंग स्लोप m, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं टू पॉइंट फॉर्म। ठीक, टू पॉइंट फॉर्म, अब इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसको आप ये भी राइट डाउन कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब हम उस लाइन का इक्वेशन बताएंगे और इसमें क्या गिवन है, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्स डैश, ठीक, ये हुआ आपका वाई वाई डैश, और ये हमारा हो गया ओरिजिन। सपोज हमें इस लाइन का क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, इसके लिए करोगे क्या, दो पॉइंट, सपोज एक हम ले लिए यहाँ पे P1, दूसरा ले लिए P2। P1 का कोऑर्डिनेट सपोज कर लो x1 कामा y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 कामा y2, और हमेशा एक जनरल पॉइंट पी एक्स कामा y लेंगे ही लेंगे, अभी हम आपको क्या किए थे डिस्कस किए थे, तो ये जनरल पॉइंट हो गया। तो देखो इस लाइन पे टोटल कितने पॉइंट हो गए, P1, P एंड P2, थ्री पॉइंट्स मिल गए ना, और देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ P1P इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, क्या ले लें अब हम, स्लोप ऑफ लाइन, देखो P1P इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन हम ले लेंगे P1P2, स्लोप ऑफ लाइन P1P2, देखो एक ये वाली लाइन का स्लोप P1P, ठीक, P1P, और दूसरा क्या ले लिए, स्लोप ऑफ द लाइन P1P2, इन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो P1P के केस में क्या करोगे, क्या होता है फार्मूला, y2 माइनस y1, तो ये आपका हो गया x1 y1, ये x2 और ये y2 का काम करेगा P1P के केस में, तो यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू, अब देखो स्लोप आप P1P2, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और यहीं से हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये y माइनस y1 इक्वल टू ये आपका आता है x माइनस x1, और ये हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या आ गया आपका स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, क्या x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2। तो इस केस में आपका इक्वेशन क्या हो जाता है, देखो y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 अपान क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। ओके, देखो एक्चुअली ये क्या होता है ना, ये स्लोप ही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, m इक्वल टू क्या हो जाता है आपका y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो सेम ये उसी फॉर्म का है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, कितने लाइन का इक्वेशन डिस्कस किया, फोर टाइप्स के लाइन का। पहला केस हम क्या सीखे थे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा क्या सीखे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और दूसरा क्या था पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म, और फोर्थ क्या सीखे हम टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, टू पॉइंट फॉर्म, हमने ये टोटल फोर फॉर्म्स को क्या किया डिस्कस किया। इस केस में आपका इक्वेशन क्या आया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए, इस केस में क्या था आपका एक्स इक्वल टू प्लस माइनस बी, और यहाँ इस केस में क्या था
वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, और इस केस में क्या आपका आया वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है एक्स माइनस एक्स वन, और आपका क्या हो जाएगा ये वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये चार फॉर्म हम लोग अभी क्या किए हैं डिस्कस किए हैं, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे 10.2 का। तो पहले इक्वेशन में पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये बना लेते हैं डायग्राम एक्स एक्स डैश और ये क्या हो गया आपका वाई वाई डैश और ये ओरिजिन। अब देखो राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस, तो हम इस एक्सिस की क्या करेंगे इक्वेशन बताना है एक्स एक्स डैश का। तो देखो इसमें जैसे हमने बताया था कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था वाई, वाई इक्वल टू क्या लिया था ए। तो इसमें ऐसी चीज़ कॉमन लेते हैं जो यूनिवर्सल इस पर क्या हो सेटिस्फाई हो। तो इस केस में देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस में एक ऐसी चीज़ है जो सब यहाँ पे भी सेटिस्फाई, हर पूरे लाइन चाहे जितनी बड़ी लाइन ले लो हर जगह उसको क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, और इस केस में आपका क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो इस एक्सिस पे वाई का चाहे जो कोऑर्डिनेट ले लो हमेशा वाई की वैल्यू क्या होगी, चाहे आप यहाँ लो यहाँ लो यहाँ लो कहीं भी लोगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। सेम वही चीज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं एंड किसका पूछ रहा है एक्स एक्सिस का हो गया एंड ये वाई एक्सिस का, ये कौन सा एक्सिस है आपका वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। वाई एक्सिस का जब पूछे तो एक्स इक्वल टू जीरो और आपका एक्स एक्सिस का पूछे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाता है जीरो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है पासिंग थ्रू फोर माइनस फोर का मा थ्री विथ स्लोप क्या हो गया वन वन बाई टू। तो ये देखो सपोज कर लो ये आपका x1 है, ये हो गया y1 और ये क्या हो गया आपका स्लोप m। ये तीन चीज़ आपका क्या है गिवन है। तो इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, या फिर यहाँ पे y नॉट और x नॉट ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो वह सिंपल सा क्वेश्चन है y माइनस थ्री और स्लोप की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन बाई टू और एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स वन क्या है माइनस फोर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये आपका प्लस। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये टू वाई और माइनस क्या हो जाएगा सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका ये फोर हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप अरेंज कर लो तो ये एक्स माइनस टू वाई, ठीक है एक्स माइनस टू वाई प्लस टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किस फॉर्म का इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू किससे पासिंग थ्रू माइनस फोर कामा थ्री एंड हैविंग स्लोप क्या है आपका वन कामा वन बाई टू। अब देखो पासिंग थ्रू जीरो कामा जीरो, तो इस केस में भी यही आपका एक्स वन ये वाई वन और ये स्लोप क्या दे रखा है एम, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू पुट कर लो तो y माइनस जीरो एम इंटू एक्स माइनस जीरो, क्योंकि x1 y1 की वैल्यू जीरो है और स्लोप क्या दे रखा है m दे रखा है, सिंपल सा है सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी इसमें भी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका mx। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx। ओके चलो अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ को डिस्कस करेंगे। अब क्या दे रखा है फोर्थ में पूछ रहा है कि पासिंग थ्रू टू कामा टू अंडर रूट थ्री एंड इंक्लाइनेशन विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक। तब इसमें क्या दे रखा है जैसे आपका सपोज ये इस टाइप का है, ठीक ये ले लो एक्स एक्स डैश ये हो गया वाई और ये क्या हो गया वाई डैश। अब यहाँ पे देखो पॉइंट क्या दे रखा है टू, तो सपोज कर लो ये मान लो टू है और टू अंडर रूट थ्री, तो ये मान लो ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक। और क्या दे रखा है इंक्लाइनेशन, तो मान लो कि हमें कुछ इस टाइप के लाइन का क्या बताना है इस लाइन का क्या बताना है इक्वेशन बताना है, और ये आपका जो इंक्लाइनेशन दे रखा है कितने डिग्री का दे रखा है 75 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो गिवन है इसको लिख लो, गिवन क्या है आपका पॉइंट गिवन है टू कामा टू अंडर रूट थ्री,
और आपका ये इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन एंगल आपका क्या दे रखा है 75 डिग्री। तो दैट मीन्स अब हमको यहाँ पे क्या पहले पता करना पड़ेगा, स्लोप क्या है आपका। तो स्लोप क्या होता है, तो स्लोप m इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा टैन 75 डिग्री। ठीक है, मेनली यही होता है ना स्लोप, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो m इक्वल टू टैन 75 और टैन 75 को हम क्या लिख सकते हैं टैन 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा टैन, ए क्या होता है फार्मूला टैन 45 प्लस टैन 30 और अपान में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस टैन 45 इंटू टैन 30 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू हम क्या किए पुट कर लिए। अब टैन 45 की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है 1 प्लस 1 अपान अंडर रूट 3, ये 1 माइनस 1 इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी अंडर रूट 3 प्लस 1 अपान ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये टैन 75 डिग्री की। ठीक, अब देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप, इस केस में होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे वाई वन, यहाँ पे क्या हो गया ये एक्स वन और ये वाई वन, तो वैल्यू पुट कर लो। तो वाई माइनस वाई वन की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा टू अंडर रूट थ्री और एम की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट थ्री प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है टू। ठीक है, ये हमारी ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको आप सॉल्व भी कर लेना बेटा। ठीक है, क्या करोगे इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे इक्वेट कर लेंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखो इस केस में क्या आपका दे रखा था पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड इंक्लाइनेशन एंगल दिया था। तो यहाँ हमको क्या फाइंड आउट करना था स्लोप। ओके चलो।